हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनीष सर पटना खेमनी चक से। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स का दिल धक धक कर रहा है। तो मेरे बच्चों टेंशन नहीं लेना, अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लिए और इसमें जो जो मैं बताने वाला हूं और आगे करवाने वाला भी हूं, अगर आप सारी प्रोसेस को पूरा कर लिए ना तो आपका बहुत बेस्ट एग्जाम में नंबर आएगा। लेकिन मैं ये बातें हवा में नहीं करूंगा बल्कि एक बच्चे की स्टोरी सुनाता हूं, रियल स्टोरी है ये। उस बच्चे का फोटो भी दिखाऊंगा लास्ट में, क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो डर रहे हैं कि सर हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो उस बच्चे की पहले आप स्टोरी सुनिए। एक बच्चा था, पढ़ने में काफी अच्छा था, ठीक है, टेंथ में काफी अच्छा नंबर लाया था। 2010 की बात बता रहा हूं, 2010 की बात। उसका 421 नंबर था टेंथ में, यानी 85%, और उस समय काफी मायने रखता था बिहार बोर्ड से 85%, मतलब बहुत मायने रखता था, क्योंकि उस समय फर्स्ट डिवीजन अगर किसी गांव से या किसी स्कूल से आ गया तो बहुत मायने रखता था। गिन के 2-4-5 लोगों का फर्स्ट डिवीजन आता था। 2010 की बात बता रहा हूं। 2012 में उस बच्चों को ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम देना था। 11th के बाद जैसे ही 12th में गया ना, उसके फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, गजब वाला प्रॉब्लम। और वो घर में ना एक लौता ऐसा लड़का था जो कि संभाल सकता था परिवार को, परिवार संभालने वो ऐसा लगा कि पूरा 12th बोर्ड उसका आ गया। और किसी तरह से जैसे तैसे घर गांव और फिर ट्रेन पकड़ के बोर्ड एग्जाम देना, इस तरह से वो बोर्ड एग्जाम दिया था वो लड़का। फोटो भी दिखाता हूं उस लड़के का। लेकिन मतलब कि कहने का मतलब पूरा उसका 12th फैमिली प्रॉब्लम के कारण एकदम सच में चौपट हो गया था। मतलब जो एग्जाम देने के लिए जिसे सोचना पड़ता था कि कहीं आज एग्जाम ना छूट जाए, ऐसा टेंशन में आ गया था वो लड़का। खैर एग्जाम दिया, अच्छा नंबर लाया, 340 नंबर लाया। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हां 2010 में आज का 440 नंबर, 430 नंबर, 420 नंबर उस समय के 340 के बराबर था, यह मानना पड़ेगा। क्योंकि उस समय ना तो ऑब्जेक्टिव होती थी, ना चीटिंग का जमाना था। आज तो MCQ होता है तो नंबर लाना भी आसान है, 50% ऑप्शन होता है, 50% बनाओ, 50% मत बनाओ, ऐसा करके बोर्ड एग्जाम इतना इजी कर दिया। और हाँ, उस समय का एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा जाके, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो उसमें IIT टाइप का क्वेश्चन आता था बिहार बोर्ड में, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ABCD तीनों चारों सही हो सकता है एक क्वेश्चन का, ऐसा था। मैचिंग में भी एक नहीं, एक ही ऑप्शन का तीन तीन मैचिंग भी सही हो सकता है। फिर बात यह स्टोरी इसलिए सुनाया ना कि आखिर वो लड़का लाया वो कैसे। तो वो एक टीचर से मिला था, टीचर से बोला था कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम नहीं पढ़ पाए हैं साल भर अच्छे से, पढ़ने में अच्छा था लेकिन करे क्या, कैसे लाए अच्छे से नंबर, साल भर नहीं पढ़ पाए बढ़िया से, कोई उपाय बताइए नंबर लाने का। और वो टीचर जो बात बताए थे, जो स्ट्रैटेजी बताए थे, वो एक दो महीना वो काफी पढ़ा था, काफी अच्छे से मेहनत किया था उस स्ट्रैटेजी पे, सेम स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, उस लड़के का फोटो मैं हूं, मैं खुद हूं। 12th एग्जाम में रिजल्ट आया ना, उसके बाद मैंने पढ़ाई किया बढ़िया से, सब चीज सीखा बढ़िया से, समय भी लिया, लेकिन वो एक ईयर मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी था। चलिए अब बताता हूं कि वो कौन कौन सा उपाय है मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पांचवा मैं तरीका बता रहा हूं ना, अपने आप में OMG है, ओ माई गॉड, गजब वाला बेस्ट है। अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा के ध्यान से सुनिएगा। और मेरे बच्चों बस यही कहूंगा ना कि अगर मैं ला सकता हूं उतना प्रॉब्लम्स के कारण, प्रॉब्लम होते हुए भी, तो आप लोग में तो ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे होंगे जो ना पढ़े होंगे लापरवाही के कारण, तो आप तो ला ही सकते हो, इतना तो आप मान लो, बस मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहला है ऑफिशियल मॉडल पेपर, एकदम दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों, सबसे पहला है ऑफिशियल मॉडल पेपर। क्यों सर? देखिए 2018 उधर का भूल जाइए, 2018 के बाद 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ये कुछ सालों का आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो मॉडल पेपर जो सेट करता है ना बिहार बोर्ड, वो मेरे बच्चों वही सब क्वेश्चन सेट करता है, या वही लोग वो क्वेश्चन सेट करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आदमी वही है, वही एग्जाम का भी क्वेश्चन सेट करेगा, वही मॉडल पेपर भी सेट करेगा, वही सेंटअप एग्जाम भी, सब चीज सेट करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको नए वाले एमिंग हाई ऐप में मिल जाएगा, न्यू वाले एमिंग हाई ऐप का यहां लोगो लगा दूंगा, देख लीजिएगा, उसमें नया वाला एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, उसमें आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसको बना लेना है विद सॉल्यूशन के साथ मेरे बच्चों। दूसरा नंबर में हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए 18 के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, 19 से बनाना शुरू करिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव ना, मॉडल पेपर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको गजबे का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और देखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि प्रीवियस ईयर में सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव को कर लिए, प्लीज सब्जेक्टिव को भी उतना ही फोकस करिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है और ये भी बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपने कर लिया,
इसके बाद मेरे स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन या तो गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिए या तो मैं जो नए वाले एमिंग हाई ऐप में जिसका अभी फी 99 चल रहा है, बाद में फी उसका बढ़ जाएगा, शायद 150 रुपया हो जाएगा, लेना होगा तो ले लीजिएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, इसीलिए ना क्योंकि गेस्ट पेपर से जब आप करते हैं तो बहुत क्वेश्चन मिलता है गेस्ट पेपर में, लगभग एक एक चैप्टर से 100-150 ऑब्जेक्टिव मिलता है, सब्जेक्टिव भी 20-20 मिलता है, और हमने कितना दिया है एक चैप्टर से एमबीवीआई 30-40 दिया है, आपका सब्जेक्टिव 5-6 दिया है दो नंबर वाला, और टोटल लॉन्ग आंसर भी टोटल मिलकर 18 को एमबीवीआई दिया, 10-12 को वो दूंगा, हालांकि अभी अधूरा है, रात तक धीरे धीरे करके मैं पूरा कर रहा हूं, तबियत खराब था काफी ज्यादा, तो जो बच्चों को नहीं मिला है ना पूरा टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के अंदर सबको दे दूंगा, जितना आपको टेंशन उससे ज्यादा हमको टेंशन है आपके लिए। तो मैं तो कहूंगा कि बच्चों चाहिए या तो गेस्ट पेपर देख लीजिए, अगर गेस्ट पेपर नहीं देखिएगा तो फिजिक्स में मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा पीडीएफ। और चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चौथा ना जो सेंटअप एग्जाम है ना, इसके क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत भूलिए, ये भी आपको मिल जाएगा नए वाले एमिंग हाई ऐप पे। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों कि देखिए आप बोर्ड एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपके क्वेश्चन को जो लोग सेट करते हैं फाइनल एग्जाम का, और वही लोग सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन को भी सेट करते हैं, तो आप ये सोचो कि आदमी का माइंड सेट तो एक ही रहता है ना, तरीका तो वही होता है ना, तो इसीलिए सेंटअप एग्जाम जो पड़ता है एग्जाम में, ये आप 19-20-21-22-23 ऐसे करके 3-4 साल का बना लीजिएगा, ये भी आपको नए वाले एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर करिएगा, जहां भी पढ़ते होगा वहां टीचर से सॉल्यूशन दिलवा लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं सॉल्यूशन डालूंगा या मैं डाल पाऊंगा तो मुझे कहिएगा, कमेंट बॉक्स में वो डाल दूंगा। और पांचवा और सबसे लास्ट बच्चों, जो उस टीचर ने हमें बताए थे वो टीचर वो था MBVI टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जैसे किसी भी एग्जाम में ना क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन, आपको पता है पूछने का सिलेबस होता है, और वैसे क्वेश्चन सेट करने वाले का भी सिलेबस होता है, स्टूडेंट्स का जैसे पढ़ने का सिलेबस होता है किसी एग्जाम में, सेम सिलेबस क्वेश्चन सेट करने वाले का भी होता है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछना है। और कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं कि 80% क्वेश्चन मात्र 20% सिलेबस से आता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको 80-20 रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको ये नहीं पता कि वो 20% सिलेबस कौन है जिससे 80% क्वेश्चन आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो पे 1000-2000-5000 व्यूज दिलवाइए ना जल्दी से, एटलीस्ट 5000 दिलवा दीजिएगा, आप लोग शेयर करके स्टेटस में लगा दीजिए आ जाएगा, तो आप दिलवा दीजिए, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, नहीं भी आएगा तो भी बनाऊंगा, आपका बड़ा भाई हूं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, दिल से प्यार करता हूं, दिल से देता हूं, लेकिन हां आप भी सपोर्ट करो, दोनों तरफ से ताली बजती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही ताली बजाने के लिए, एक तरफ से आप हाथ ना भी दोगे तो मैं बजाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये जरूर करिएगा, इस पे वीडियो 2 दिन में मैं ला दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट सिर्फ कर दीजिएगा, क्योंकि मेजोरिटी रहती है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ओके, कि 20% वो कौन सा सिलेबस है जो एग्जाम में पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। और हाँ, थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम और तबीयत और ये सब के कारण दिक्कत में था, और ऐसा नहीं है बच्चों की देखिए मैं जो बच्चे मध्य बैच में थे या जो पीडीएफ कोर्स में बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा पीडीएफ जल्दी डालिए, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं डालना चाह रहा हूं, बिल्कुल जल्द डाल दूंगा 1-2 दिन में, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी समस्याएं आती हैं, जब मैं 5th में पढ़ रहा था उस समय भी मेरे प्रॉब्लम आया था फैमिली में, 11th-12th के बाद बारे में अभी बताया, और एक अभी करेंटली सिचुएशन में जो चल रहा है, तो फिर भी मैं खड़ा हूं आपके साथ, और आई होप कि सब सही हो गया है, बस 5-10% है वो भी सही है, तभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। मेहनत करेंगे मिलकर के बच्चों अच्छे से, अभी से पूरा एग्जाम तक काफी मेहनत करवाने वाला हूं, और लाइव भी आऊंगा, सारा कंटेंट भी दूंगा, सारा 5 नंबरीवा जैसे जो भी आपको टॉपिक पे चाहिए वीडियो, कोई बच्चे का कहना होगा कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बताइए ना, कोई बच्चे कहना होगा सर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन बताइए ना जो एग्जाम में पूछा जाएगा, अब बोल दो, कल हो के मैं वीडियो उस पर बना दूंगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में, पढ़ते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, शेयर करिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम, ये 5 टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, थैंक यू बच्चों।